यूपी के दमदार लोगों के लिए टाटा टी प्रीमियम ने बनाई है दमदार चाय। एक प्याली दम वाली, एक प्याली यूपी वाली। यूपी मतलब दबंग लोग। अबे भैया जी की गाड़ी कौन रोका? पावर की देख जकड़, पैसों की देख अकड़, छोटी सी बात पर आस्तीनें ऊपर चढ़ जाती है। यूपी वाले दम दिखाने का मौका नहीं छोड़ते। अब चाहे वो पावर का दम हो, पैसों का दम हो या फिर अच्छाई का, भैया को बोलना पड़ेगा। ऐसे ही दमदार यूपी के लिए टाटा टी प्रीमियम ने बनाई है दमदार चाय। एक प्याली दम वाली, एक प्याली यूपी वाली। हरकतों से नहीं बाज आया युवक तो पैसों ने जंजीरों से जकड़ा, जाने पुलिस ने क्या किया। भाई ने भाई को जंजीरों में जकड़ा, मीडिया के द्वारा सच्चाई पता चलने पर पुलिस ने बंधक मुक्त कराया युवक को। छाता कोतवाली क्षेत्र के कॉलोनी में शनिवार को एक अजीब और गरीब मामला प्रकाश में आया। एक भाई ने घर के अंदर के कमरे में कल शाम से अपने सगे भाई मानसिंह को जंजीरों से जकड़कर चारपाई से जंगले से बांध दिया। युवक की हालत देखकर आसपास के कॉलोनी वासियों की भीड़ भी लग गई और लोगों ने पुलिस को सूचना दी। कोतवाली से आई छाता पुलिस ने युवक को बंधक मुक्त कर दिया, लेकिन सच्चाई दरअसल कुछ और ही है। सतीश और मानसिंह भाई भाई हैं। वे उमरावा गांव के रहने वाले हैं। सतीश एवं उसका पूरा परिवार छोटे भाई मानसिंह की रोज रोज की हरकतों से तंग आ गया। मानसिंह के द्वारा प्रतिदिन दारू पीकर घर में आकर उत्पाद मचा बच्चों, पत्नी एवं परिजनों के साथ मारपीट कर दी जाती है। आज उसने अपनी पत्नी के साथ सरियों से मारपीट कर उसके सिर में चोट पहुंचाई। चोट लगने से राजवाला पूरी तरीके से घायल हो गई। मानसिंह एक बाहियात किस्म का व्यक्ति बन गया और कुछ भी काम धंधा नहीं करता है, ऐसे ही व्यर्थ में इधर उधर घूमता रहता है। सतीश कोसी कला के बैकमेंट कंपनी पर कार्य करने अपने बच्चों एवं परिवार का पालन पोषण कर रहा है। सतीश के द्वारा मानसिंह को दारू ना पीने के लेकर कई बार समझाया गया। उसकी हरकतों से तंग आकर पत्नी भी बच्चों को लेकर अपने मायके चली गई। इसके बाद भी मानसिंह अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। आखिरकार तंग आकर भाई सतीश ने शुक्रवार की शाम को जंजीरों में जकड़कर घर के अंदर कमरे में जंगले से बांध दिया। सुबह सुबह उसे जंजीरों से जकड़ा देख कॉलोनी वासियों की भीड़ एकत्रित हो गई। कुछ बुजुर्गों ने, कुछ लोगों ने सतीश से भाई को बंधक मुक्त करने के लिए कहा, लेकिन वह नहीं माना। इस पर जनता ने दया भाव दिखाते हुए उसे बंधन मुक्त करने का प्रयास किया तो सतीश ने उठे डांट फटकार कर वहां से भगा दिया। इस पर किसी कॉलोनी वासी ने पुलिस को युवक को बंधक बनाए जाने की सूचना दी। सूचना पर ब्लॉक कॉलोनी पहुंची कोतवाली छाता पुलिस ने सबसे पहले युवक को बंधन मुक्त कराया और उससे पूछताछ करना शुरू कर दिया। इस संबंध में जानकारी देते हुए बंधक मानसिंह की पत्नी ने जानकारी दी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ भगत सिंह चौधरी। आप देख रहे हैं सिटी नेटवर्क का मथुरांचल और मैं इस समय छाता ब्लॉक के पास में हूं। यहां एक नगरा बसा हुआ है तो यहां कुछ व्यक्ति हैं, कुछ बाहर के लोग हैं जिन्होंने यहां जगह ली हुई है, मकान बनाए हुए हैं। तो यहां अभी हमें सूचना मिली कि एक व्यक्ति को एक कमरे में बेलों से जकड़ के बांध रखा है। तो हम यहां हमने देखा कि एक व्यक्ति हकीकत में कमरे में यहां बेलों से जकड़ के बांध रखा है, उसके साथ मारपीट भी की गई है। बता रहे हैं तो बात करते हैं उन्हीं व्यक्तियों से क्या कुछ मामला है। तो ये महिलाएं हैं तो इनके भी सिर में चोट है, क्या कुछ मामला है? क्या नाम है आपका? राजवाला। राजवाला कहाँ के रहने वाले? पीछे से हम राज नहीं रहते, छाता रहते हो। अच्छा, ये जो अंदर कमरे में बांध रखे हैं क्या लगते हैं आपके? पति हैं आपके। तो क्यों बांध रखे हैं? मेरे सिर में फाड़ दिया, पैर फाड़ दिया, इस वजह से बांध के डारा है। सब बच्चे सब कब्र में बंद कर दिए इसने। तो क्या कुछ दिमाग में कमी है क्या? दारू पीता है सर। दारू पीता है तो इस तरीके से बांध रखा है? इस तरीके से मुझे देखो, मेरे पैर फाड़ दियो, सिर फाड़ दियो, सारे बच्चे कब्र। किसने बांधा है? इसके भाई ने।
बड़े भाई ने, आपने कोई पुलिस कंप्लेंट वगैरह नहीं की? कुछ नहीं कही, हमारे काज पुलिस लिया आवे। अच्छा, तो कब से बांध रखा है? कल शाम से, यही खन के टाइम। तो कब तक बांध के रखोगे? अब ये तो इनके भैया को मालूम है। क्या नाम है इनके भाई का? सतीश। सतीश, कहाँ काम करते हो? नहीं के रहने वाले हैं, कंपनी में ड्यूटी करते हैं, बैक मेट कोसी। कहीं कोई आपसी विवाद इनकी जायदाद को लेकर या कोई भाई बंटवारे को लेकर तो नहीं है? सब बंटवारा, अलग अलग खाना बनता था, फिर दारू पीता पी सर्दना भगा देता है। तीन बच्चे हैं वो पे। मैं अपने गांव चली गई नशा मुक्ति केंद्र में, किया गए 13 दिन 8,000 रुपया दे के माँ से निकाल लाए कि हमारा मन नहीं लग रहा, हमारा भाई है, हमारा खून है। बाद इनसे बढ़िया रह रहो, परसों या लड़का से जिरेबाजी हो गई इनकी, फिर रात भर गायब रहे। कल 2 बजे आए के यहाँ ने हंगामा कर दिया। अच्छा, लोग ही सरिया परिया को परी माँ पे को, मैं यहाँ से गए तो कब्रा में सारे बच्चे गए, बहन बंद है गई, बहने मेरी। मैं बाहर भाग गई, सामने होटल वाले इनको मकाने वहां में जाके 2 सरिया मुझ में दे डाली। तब से इन्हें बांध के रखा, फिर गायब है, फिर पकड़ के लाए। अच्छा, हाँ, एक पहली यहाँ पे दई, दूसरी यहाँ दई। और हमारे साथ में क्या लगती है आप? या कि माता हूँ। अच्छा, इनकी मम्मी हो। हाँ। क्या नाम है आपका? रामा। रामा, तो क्या कुछ मामला है? घी मान लो भैया, दारू पी के ना तो बालकन ने डटन दे, बालकन ने भगा दिए, तीसर ना छोरिए मारा है। अच्छा अच्छा, ऐसे मारा है कि कबो तो हाथे तोड़ दिए, कबो पामन ने तोड़ दिए, कबो 2 दांत निकाल दिए, 2 दांत उखाड़ दिए। अच्छा, चमची परेशान करता है तो आपको पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए। कर दियो भैया, कर दियो, मुंह रख लियो, मुंह ते ना डटो, जाऊ ना सब रहो, फिर वहां कर आए या नशा मुद्दी में, मुंह ना डटो, मुंह पाम पूतो वहां ते ले आए। अब भैया 6 महीना मैंने रख लई अपने जोरे, बाल करने कोसी ते बैठा के तार आयो। 3 है, एक तो भी लड़की है, एक भी लड़का है, एक बड़ो है। 3 बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं, 2 लड़का, 1 कमाता है? नहीं, ना कुछ नहीं करता। चलिए दिखाते हैं हम जो व्यक्ति है जो कमरे में बंद कर रखा है और सांकरों से जकड़ रखा है, तो बात करते हैं। मैं अपने साथी से कहूँगा, दिखाएं इधर में। और बात करते हैं भाई से। क्या नाम है आपका? मानसिंह है सर। मानसिंह कांकरेन वाले का। तो ऐसे किस उसमें आपको जकड़ रखा है, जंजीरों में किसने जकड़ रखा है? इसीलिए क्योंकि मतलब कि हाथ भात नहीं छोड़ देता है, जैसे मैंने हाथ छोड़ दिया भैया पर, ये हाथ नहीं छोड़ता। और मैंने बोल दिया तो मुझे ऐसे मारते रहते हो, मैं ऐसे नहीं छोड़ पाऊंगा, मेरे को बट बांट कर दो, मेरे बट बांट कर दो, बट दे दो। अब कहता कि मैं तुझे खिला रहा हूँ, तेरे को कर रहा हूँ, तू लोग वो लॉकडाउन को ब्याह हुआ खेत की उसके लोन को खा गया, तू तुझ पर भरवा लूंगा। मैंने कहा ठीक है, मैं कमा के बाहर दूंगा। तो मैं बाहर रेलवे में ठेकेदारी नौकरी करवा जाता हूँ, दोपहरी का काम रहता है। तो उसमें ऐसा ही है, हमने कहा तू डेली ड्यूटी कर और खर्चा भी बाहर कर, ऐसा पता कि इतने पैसा कैसे आए, 9600 रुपया महीना ला के दे, 9600 बताते हैं। अब तुम्हें किसने बांध रखा है? बड़े भाई ने। तो कब बांधा था? कल रात। कल रात को क्यों बांधा, कारण क्या है? कारण यही है कि तेरे हाथ पाँव तोड़ के यहाँ पटक दे और तू यहाँ क्यों भागेगा यहाँ से? क्यों 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 बांधते हो, क्यों बांधा है तुम्हें? इसलिए कि मतलब मैं उससे औरत से अपनी तो लड़ता हूँ बट के ऊपर, मैं उसको परेशान करता। मैंने कहा तू ऐसे ही करेगी अब, बट मिलेगा ना कुछ नहीं, ऐसे ही कमाना पड़ेगा हमको। तो यानी बड़ा भाई बट नहीं दे रहा है? हाँ, बट के ऊपर ही होता है भाई। अच्छा, उनका कहना है कि तुम दारू पीते हो, दारू पी के बच्चों को मारते हो और घर की बर्बादी करते हो। सर बर्बादी करता हूँ वो सब, मतलब दारू कभी जब टेंशन में जाते जब पीता हूँ, मैं टेंशन में दारू पीता हूँ। यानी कल से आपको बांध रखा है? हाँ जी। तो कभी अभी कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं की है? पुलिस कंप्लेंट करी थी, पुलिस वाले बोले कहते ऐसा है तो उसको घर वाले मारे, जब आना तो बे परेशान मत कर हमको पुलिस को, तुझे कोई कोई नहीं मार रहा, तू दारू पी के बहुत खराब है, ऐसे ही तेरे घर वाले दारू पी के बताते। मैं चुप लगा के आ गया। तुम्हारे साथ मारपीट की है? हाँ जी, मेरा लोटियों से मतलब पाम लोटियों से तोड़ा फाड़ी कर दिया है। और सब किसने? बड़े भाई ने।
क्या नाम बड़े भाई का? सतीश है। तो दर्शकों ये आपने देखा कि ये इनके ऊपर आरोप भी है घर वालों का कि ये दारू पीते हैं, बच्चों को मारते हैं, पीटते हैं और घर की बर्बादी करते हैं। तो इसी कारण इन्होंने दो दिन से इसी कमरे में जकड़ के रखा है और यहाँ बेलों से बांध रखा है। छाता से भगत सिंह चौधरी की रिपोर्ट।